भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजो भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजे श्री कृष्ण गोविंद हरे चले जाएं हम
तो नारद जी महाराज और सनत कुमार एक स्वर में कहते हैं, हे भक्ति जाओ तुम अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जहां भगवान ठाकुर की कथा होती हो वहां जाकर के तुम अपने पुत्रों के साथ बैठ जाना। और भक्ति महारानी उसी दिन से ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई और भक्तों के हृदय में जाकर के भक्ति ने डेरा जमा लिया। देखो आप सबके हृदय में भक्ति है तभी तो भगवान आता है। हाँ, भक्ति हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति के घर में भगवान आना चाहता है। अब ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात आपको मैं छोटे से शब्दों में समझा रहा हूँ। हर व्यक्ति के, जय हो, आइए आइए, हर व्यक्ति के घर में भगवान आना चाहता है, लेकिन भगवान को क्या देखता है? क्या देखता है भगवान को? हाउसफुल। भगवान को देखता है कि ये जो कमरा है ये पहले से भरा भरा है, ये पहले से ही, अब इसमें काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष छल कपट दंभ माया सब कुछ इसमें भरा है। तो भगवान दूर से देख करके भाग जाते, बोले हाउसफुल है, यहाँ हमें जगह नहीं रहने की, भगवान चले जाते। अच्छा, जहां भक्ति रहती वहां भगवान झट से चले जाते, जैसे सदन कसाई के यहाँ चले गए। यहाँ तक लिखा कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि तेसाम भक्ति श्री हरिर भक्ति रेगा। कहते हैं भक्ति महारानी के वशीभूत होकर के भगवान बिक जाते हैं, भगवान पहुंच जाते हैं। तो भगवान तो सबके यहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, सो भगवान दूर से चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान आपके यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन आप इन षड विकारों को दूर करिए, भगवान को अपने हृदय में बसा लीजिए। एक संत तो कह रहे थे, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं संवारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आ जाए। हर कोने कल मस मसाई की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कही है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, हर जगह अंधियारा मचा हुआ है, हर जगह कलह कलह काम क्रोध मचा हुआ है, कैसे आ जाएंगे भगवान। आंगन जब तक अपने हृदय को शुद्ध नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं आने वाला। आप अपने मकान को कैसे स्वच्छ रहते रखते हो, ऐसे इस मकान को भी रखो ना भैया। हाँ, ये मकान भी आपका पांच तत्वों से बना है, पांच तत्वों से बना मकान, इसको भी स्वच्छ रखो। इसमें नहीं रखते स्वच्छ, इसमें तो गुस्सा भी है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, सब कुछ। तो भैया आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान को आप हृदय में बिठालना चाहते हो तो पहले इन छह विकारों को दूर करो। अब कहो गुरु जी जी नहीं हो तो, अच्छा बुढ़ापो जितने ही आओ सब माया पछयात, भगवान को नाम नहीं याद, हल्के नाती हो देख लेते, दो दिन से नहीं दिखानो मोड़ा कहाँ गो, भगवान को नाम ले भी को समय आ गो और मोड़ा हो देखने। बस एक और भगवान मनोकामना पूरी कर, अब मर भी हो धरे और दो भगवान से कामना चाह रहे। यही भावना है कि अगर आप इन विकारों को दूर करके तो भगवान आएंगे। और उसके बाद
भक्ति महारानी को हृदय में बिठाला और उस दिन से भक्ति महारानी बैठ गई और आज भी इन भक्तों के हृदय में वो भक्ति बैठी है। हाँ, सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, सूत जी महाराज कहते हे ऋषि, भगवान की कथा सुनना चाहिए। जिस मानव ने कथा नहीं सुनी वो इस पृथ्वी पर रहने का उसका अधिकार नहीं है, उसको नहीं रहना चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने कथा नहीं सुनी उसके कान कान नहीं है, उसका जीव जीव नहीं है। जैसी वो मिंदरवा टर्र टर्र करत उसी के समान उसकी जीव है। जैसी वो कान सांप का बिल होता है उसके समान है। तो फिर जीवन में धिक्कार है जीना, क्यों जी रहे हो? कथा सुनना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं इस कथा को जिसने सुन लिया उसका उद्धार हो गया। और यहां तक लिखा कि कथा को सुन करके भव से उद्धार हुआ। तो किसी ने पूछा ये बताओ किसका हुआ? अच्छा, दुकान पे अगर नेमा भाई कछु बेचत हो वो बे कहें जो सामान ले जाओ गारंटी है। अब भैया जो लेगा वही वो पता है कि जो असली है कि नकली है। हाँ, मिल जाए है पायल सीताराम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। या तो ऐसा ही होगा, एक बार हमारा निमंत्रण करो, हमारी कथा चल रही थी, जैसी बाई आएंगे महाराज हमारी पायल मिल जाए, महाराज ढूंढ भेजे। एक बार हमारा निमंत्रण किया एक जजमान ने, एक एक के सिक्का चलते थे तब। तो एक बार निमंत्रण में गए, 11-11 रुपए का टीका किया मैया ने। अब मैया ने 11-11 का टीका किया, सो माता जी के यहाँ एक एक के खुल लाने हटे। सो एक पंडित जी हो ने 15 दे दे और सब हो 10-10 दे दे। और कहने लगे तुम और आपस में बांट लियो। हाँ ठीक है। अब दोबारा कथा में आई, कथा चल रही थी हमारी, कहे गुरु जी भी बांट लाए थे पैसा के नहीं? कल लाए थे बांट लाए थे नहीं? हाँ बांट लाए थे। ऐसी मैया है, आपकी पायल मिल जाए विश्वास करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो क्या विश्वास है कि कथा को सुन करके तर जाएंगे? अब भैया जिसका सामान होता है, विश्वकर्मा जी अगर लोहो बेचत है और जा कहें कि ले जाओ गारंटी हमारी, खराब न कर जाए तो प्रमाण देने परत कह रहे देखो भैया। तो भागवत की कथा सुनी और कह रहे हैं इसको एक बार सुनो, क्या प्रमाण है? तो एक नहीं हजारों प्रमाण बता दिए। एक कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं धुंधकारी की, आप सबने वो कथा सुनी है धुंधकारी की, कि जिंदा में जो कथा सुने सो तर जात, और मरवे के बाद भी अगर कथा सुने तो धुंधकारी जैसी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी ये पावन कथा छोटे से रूप में हम आपको सुनाएं, ज्यादा समय ना ले। एक आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण यमन, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, इनका तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर कुटिया बनी है। आपस में दोनों पति पत्नी पंडितायन रहते, भगवान का भजन करने वाले, भगवान का नाम जाप करने वाले। इनके जीवन में सब कुछ, जीवन में सब कुछ इनको मिला, लेकिन एक दुख इनके जीवन में आया। कौन सा दुख आया? सब कुछ भगवान ने इनको दिया, लेकिन भगवान ने इनको पुत्र नहीं दिया। क्या नहीं दिया?
और कहते पति बिन सुनी मांग पुत्र बिन है घर सुना, दो मुक्ति के मार्ग हैं दो में अति दुख दूना। हाँ, इनके जो पति पत्नी, पति तो खूब भगवान का भजन करते, खूब भगवान का भजन करते, खूब प्रेमी, लेकिन पत्नी इनकी जो इनसे बिल्कुल विपरीत। जब तक दो चार लोगों से लड़ना ले झगड़ना ले तब तक भोजन नहीं पचता। पंडित जी व्यवहार बनाए और बिगाड़ ले।